वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका महालक्ष्मी रियल किचन में। आज हम बनाएंगे बचे हुए चावलों और बचे हुए ब्रेड का बहुत ही शानदार नाश्ता, जो आप सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो आइए देखिए इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं। इधर देखिए मैंने लिया है बचा हुआ 7 से 8 ब्रेड था मेरे पास, उसको ब्रेड क्रम्स बना लिया है और उसमें डालेंगे पका हुआ 1 कप राइस, ये भी मेरे पास बचा हुआ था, और 3 बड़े साइज के आलू बॉईल किए हुए, इसको भी इसमें डालेंगे, और 1 चम्मच डालेंगे चिली फ्लेक्स, और 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, और 1/2 चम्मच ही डाल देंगे जीरा, 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और बारीक कटा हुआ हरा धनिया के पत्ते। तो इन सबको एक साथ हम बहुत ही अच्छे से मिक्स करके और एक डो के जैसा बना लेंगे। और इधर देखिए मैंने डो तैयार कर लिया है, तो बस थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर के हम एक टिक्की का शेप दे देंगे। आप चाहे तो अपना मनचाहा कोई भी शेप दे सकते हैं इसको, ये देखिए। तो बस ऐसे ही हम सारा तैयार कर लेंगे और इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स को कोट कर लेंगे। तो इधर देखिए मैंने तैयार कर लिया है, और इधर गरम किया है एक पैन में ऑयल, और इसको हम सलो फ्राई करेंगे गोल्डन और क्रिस्प होने तक। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो इधर देखिए एक साइड में गोल्डन हो चुके हैं, तो इसको हम पलट लेंगे, और दूसरे साइड में भी बस ऐसे ही हमको गोल्डन फ्राई कर लेना है। इधर देखिए फ्राई हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेंगे। और बाकी के भी बस ऐसे ही गोल्डन और क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेना है। तो सारे के सारे तैयार हो चुके हैं, ये देखिए बन करके। कर लेते हैं इनकी प्लेटिंग। यकीन मानिए ये इतने मज़ेदार, इतने यम्मी, इतने टेस्टी बन करके तैयार हुए थे। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। सर्व किया है टोमेटो केचप के साथ में। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।